स्टूडेंट्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू IITians. बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. देर आर थ्री पॉइंट्स A, B and C at the corners of an equilateral triangle. There is a point charge of 0.100 microcoulomb at point A. Yani ki point A par hamare paas hai QA, jiska magnitude hai 0.100. Main nahi likh raha hu, 0.1 microcoulomb. What will be the intensity of electric field at the midpoint between B and C if the side of the triangle is 10 centimeter? यानी कि ये 10 centimeter है, ये 10 centimeter है, और ये भी 10 centimeter है, है ना? तो अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा, मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं D. और ये जो, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री भी होगा. ठीक है, मैं अब थोड़ा मैथमेटिकल बात लिख देते हैं. द मीडियन AD ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC will also be the perpendicular bisector, या altitude भी बोल सकते थे, लेकिन perpendicular bisector बोलना सही रहेगा, of BC, side BC. तो bisector का मतलब यह है कि ये आधा आधा भी हो जाए. अब कई तरीके हैं, या तो आप 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री करके ये निकाल लो, या तो आप पाइथागोरस लगा दो, या तो आप रट लो. ठीक है, तीनों तरीके बताता हूं मैं आपको. ठीक है, अगर आपको एबी मालूम है और एडी निकालना आता है तो आप वीडियो थोड़ा आगे पार कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो सीखिए अभी. तो देखिए, ट्रायंगल एबीडी अगर हम लोग लेते हैं तो सबसे देसी तरीका कि भाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. ठीक है, ए बी कितना है 10, बी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डी है, इसलिए बी डी जो होगा बीसी का आधा होगा, ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा. तो ये हो गया 5, और AD निकाल लो 125 AD square is equal to 75. AD is equal to under root 5 × 5 × 3. ये लिखना जरूरी है भाई. AD is equal to 5√3 सेंटीमीटर. एक ये तरीका. दूसरा तरीका क्या है, वो इससे आसान है. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाय कहां है भाई, एबी √3/2. एडी कितना है पता नहीं, एबी कितना है 10, तो ये उधर चला जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, तो 5√3 आ गया. एडी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर. एक तरीका ये है. अब एक रटने वाला तरीका, तो रटने वाला तरीका डिराइव कर लेंगे. तो देखो, जब भी 60 डिग्री वाला होगा और
इसकी लेंथ एल है, मान लो एल, ये एल बाई टू है ना, यही तो हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स है। तो अगर हमें ये मालूम है और एक्स का इससे रिलेशन रट ले हम लोग, तो हमेशा हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। मतलब एक तरीके से पहले वाले को ही जनरल तरीके से कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 3L² / 4 एक्स इज इक्वल टू √3/2 एल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है एडी वो होती है √3/2 एल। इसको रट लीजिए आप, अगर रटने पे भरोसा करते हैं तो। हाइट ऑफ, हाइट या अल्टीट्यूड बोले आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, ठीक है, एल है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, √3/2 एल, ठीक है। तो अब एल की जगह 10 रखो तो √3/2 में 10 मल्टीप्लाई करो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधे ये बोलोगे एडी इज इक्वल टू, मतलब चलो मैं रटने वालों के हिसाब से कर देता हूं, एडी इज इक्वल टू √3/2 एल। एल क्या है, ए बी है, तो √3/2 × 10 यानी कि 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहे जैसे करिए आप, मैं तो जगह खाली करूंगा। अब क्योंकि एडी हमें पता चल गया है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी की बात कर लेंगे, और कहीं चार्ज तो है नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से आएगी, इज इक्वल टू 1/4πε0qa/ad² है ना, आर स्क्वायर होता है ना, तो एडी स्क्वायर हमें पता ही है, वैसे एडी स्क्वायर तो इधर से ही आ जाता, 75 आ रहा था, लेकिन अब ये 5√3 लिखा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 9 × 10⁻⁹, QA कितना है, 0.1 × 10⁻⁶, और AD कितना है, 5√3² यानी कि 75, 9/75 × 10⁻⁹, इसको लिखो 10⁻¹, इसको लिखो 10⁻⁶, 3 × 9 और 25। एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देखो 3 को अगर 25 से डिवाइड करने लगे तो दिक्कत होगी, खुश हो जाइए नीचे 25 है, तो यहां से हम लोग 100 को चुरा सकते हैं, 3/25 × 100, 100 यानी 10⁻², हमने यहां लिख दिया तो बचा क्या, 10⁻⁷, और ये क्या है, 10⁻⁻¹, 10⁻⁻⁶, वाह, ये 7 इन दोनों को खा जाएगा, तो ये काटेगा इन दोनों को, ठीक है, और 25 × 100 यानी 4 × 3 = 12 न्यूटन पर कूलोम हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। पूछिए कहां गलती हुई, गलती ये हुई कि हम लोग एडी जो कर रहे हैं वो 5√3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने यहां पर कोई चेंज नहीं किया। आई एम वेरी श्योर कि ये गलती आपसे भी होती रहती है, तो गलती ना करें। 5√3 × 10⁻²⁷ हम यहां पे भी यही काम करेंगे, 10⁻², इसका होल स्क्वायर, बाकी सारी चीजें सही हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁴ चलते हुए आ रहा है ना, ये स्क्वायर तो इधर आएगा क्या, 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻⁴, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2 ×
10^5 न्यूटन पर कूलम। अब तो सही आ रहा है भाई, तो याद रखिएगा गलती करना बहुत बुरी बात है। सो दिस इज डन नाउ।